Hi, my name is Meghna and I'm working as an embryologist at Prime IVF Center. So today I'll be talking about TISA. TISA क्या होता है, TISA कैसे करते हैं और किन केसेस में TISA को recommend किया जाता है. Male infertility आजकल बहुत common हो गई है. A number of cases जहाँ पर male patient is either azoospermic, that is no sperms found in the ejaculate, or oligosospermic, that is a very few number of sperms are found in ejaculate, वो बहुत बढ़ गए हैं और ये cases हर साल बढ़ते जा रहे हैं. So TISA, that stands for testicular sperm aspiration, एक surgical procedure है that has helped such patients to have their own biological child rather than going directly for donor sperms. Before explaining TISA, I would like to tell briefly about sperms कैसे बनते हैं और वो कैसे travel करते हैं different ducts में. So sperms basically testes में form होते हैं, more specifically in the seminiferous tubules of the testes. वहाँ वो form होके travel करते हैं epididymis में, जहाँ पर वो store होते हैं, they become mature, more competent and वहाँ से via vas deferens वो ejaculatory duct में जाते हैं. अब जब पेशेंट आया, उनका सीमन एनालिसिस करवाया और पता चला कि वो एजोस्पर्मिक है, बट उनका हार्मोनल टेस्ट सारे नॉर्मल है, दैट इज़ FSH, LH, टेस्टोस्टेरॉन, उनका उनके टेस्टीज फंक्शनल है, टेस्टिकुलर वॉल्यूम नॉर्मल है, स्टिल एजोस्पर्मिक है, दैट मीन्स देयर सम ऑब्स्ट्रक्शन इन दी डक्ट्स. इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया. इन केसेस में हम TISA या PISA कर सकते हैं. TISA कैसे करते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ फाइन नीडल्स टेस्टिकुलर कंटेंट लेते हैं, मोस्टली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इन ट्यूब्यूल्स को हम कल्चर मीडिया में वॉश करते हैं, देन अंडर स्टीरियोज़ूम माइक्रोस्कोप उनको मिंस करते हैं, उनका कंटेंट बाहर निकालते हैं एंड दिस कंटेंट इज नाउ ऑब्जर्व्ड अंडर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप और हम वहाँ पर स्पर्म्स ढूंढते हैं. अगर हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं, हम उनका एक्सी करके एम्ब्रियोस फॉर्म कर सकते हैं एंड इस कंटेंट को हम सेंट्रीफ्यूज करके स्टोर भी करके रख सकते हैं. इन सम केसेस देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन एनी पाथवे, स्टिल इजैकुलेट में स्पर्म्स नहीं मिलते हैं, उसे कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया. इस केसेस में एक स्पेशल टेक्निक यूज़ की जाती है, माइक्रोटेसे, जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल माइक्रोस्कोप्स हम हेल्दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसमें से स्पर्म्स निकाले जाते हैं फॉर इक्सी. तो TISA एक बहुत हेल्पफुल प्रोसीजर है फॉर सच पेशेंट्स. थैंक यू. इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स और क्वेरीज, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस.